ग्लेशियर से बहता खून का झरना। सुनने में तो ये आपको बड़ी ही अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन ये दुनिया है ही ऐसी। यहाँ एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती ही रहती हैं। बस इन्हीं में से एक है अंटार्कटिका का एक ग्लेशियर से बहता खून का झरना। बता दें कि इस ग्लेशियर का नाम टेलर ग्लेशियर है और ये पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर है। और यह नज़ारा यहाँ जाने वाले कुछ बहादुर खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है, जो कि खून का ये झरना कई दशकों से यहाँ बह रहा है और आखिर में अब जाकर इसके निकलने की वजह का पता चल पाया है। बता दें कि टेलर ग्लेशियर के नीचे एक बहुत ही पुरानी जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जीवन मौजूद है, जिसके बारे में जिन वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने को नजदीक से जाकर देखा है और सैंपल लिया है, वो बताते हैं कि ये स्वाद में नमकीन है जैसा कि खून होता है, लेकिन ये इलाका किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ जाना मतलब जान को जोखिम में डालना है। और यहाँ खून के झरने का स्रोत ग्लेशियर के नीचे लाखों साल से पुराने सूक्ष्म जीवों की दुनिया को बताया जा रहा है। बता दें कि खून के इस झरने की खोज सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने साल 1911 में की थी, जो कि अंटार्कटिका के इस इलाके के सबसे पहले यूरोपियन वैज्ञानिक थे जो यहाँ पहुँचे थे। और शुरुआत में थॉमस और उनके साथियों को लगा था कि ये लाल रंग की एल्गी है, लेकिन ऐसा नहीं था, जिस पर बाद में ये मान्यता रद्द की गई। और साल 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे लो नमक यानी आयरन सॉल्ट है, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये बर्फ की मोटी परत से ऐसे निकल रहा है जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं। और फिर साल 2009 में ये स्टडी आई कि यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव है जिनकी वजह से ये खून का झरना निकल रहा है। ये सूक्ष्म जीव इस ग्लेशियर के नीचे लगभग 15 से 40 लाख साल से रह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। वहीं बता दें कि इंसान भी अभी तक इस ग्लेशियर का छोटा सा हिस्सा ही खोज पाए हैं। ये इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक की खोज करने में कई दशक लग जाएंगे और इस इलाके में आना जाना और रहना बेहद ही मुश्किल है। वहीं जब इस खून के झरने के पानी की जांच प्रयोगशाला में की गई तो पता चला कि इसमें दुर्लभ सब ग्लेशियर इकोसिस्टम की बैक्टीरिया है, जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता है। और ये ऐसी जगह पर जिंदा है जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही इस जगह पर अपना जीवन जी रहे हैं और नए बैक्टीरिया भी पैदा कर रहे हैं। इस जगह का तापमान दिन में -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी ये खून का झरना बेहद ही ठंडा है और ज्यादा नमक होने की वजह से बहता रहता है, नहीं तो ये तुरंत जम जाता। वही वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस खून के झरने को अंदर से कौन प्रेशर दे रहा है जिसकी वजह से ये ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है, इसके पीछे जियोलॉजिक फोर्स है या फिर कुछ और, इसका पता ही नहीं चल पाया है, जो कि इस खून के झरने के स्रोत इस ग्लेशियर के नीचे लाखों सालों से दबा हुआ है। और साथ ही बता दे कि अगर यहाँ की स्टडी करने का और मौका मिले तो यह भी पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।